अगली खबर कैथल से है। कैथल में वकीलों के संगठन ने नए आपराधिक कानूनों का किया विरोध। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नए आपराधिक कानूनों के प्रबंधों को क्रूर बताते हुए कैथल के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के विरोध को लेकर नई कैथल बार एसोसिएशन के सदस्यों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और कैथल के उपायुक्त को राष्ट्रपति का के नाम का ज्ञापन सौंपा है। विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके पार्लियामेंट से बाहर घसीट कर उनकी अब्सेंस में ये कानून बनाए गए। ना कोई चर्चा की गई, ना कोई किसी पे विचार विमर्श किया गया, ना किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को विश्वास में लिया गया। बिना बहस के, बिना चर्चा के देशवासियों के साथ एक धोखा किया सरकार ने। हमें सरकार से जो है ये मांग करते हैं कि इन तीन जो कानून है, ये जो फिर से तीन कानून लेके आए, जो पहले कृषि कानून लेके आए थे उनको वापिस लिया, अब जो है अब फिर तीन कानून, ये CGI जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे जो उच्च पद पे है, सर्वोच्च पद पे हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा बयान दिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि हो सकता है उनको भी राज्यसभा में जाना हो। हमारे एक CGI जो है वो राज्यसभा में गए थे, मिस्टर गोगोई, तो हो सकता है इन रिटायरमेंट के बाद इनको भी कोई सरकार के प्रलोभन में हो, ऐसा हमारा मानना है। कोई ना कोई दबाव या किसी उसमें लगता है, जबकि हमें उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, बट उन्होंने ऐसा बयान दिया, उनसे हमें अपेक्षा नहीं थी ऐसे बयान की। जैसे IPC 1860 की है, 2024 में बदलाव लागू है नए कानून, क्या किसमें शक्तियाँ जो आप कह रहे हैं, जो पुलिस की पावर बढ़ा गई है, किस प्रकार के जो धाराएं हैं, जैसे एक दो एग्जांपल बता दीजिए, आपको लगता है पुलिस की धाराएं इस प्रकार बढ़ाई गई हैं? देखिए, ये सब मैं डिटेल में आपको बता दूंगा अकेले में, बट जिस तरीके से प्रावधान है पुलिस हिरासत बढ़ाने का, 90 दिन के तक भी जो है पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, पहले 14 या 15 दिन तक जो है कस्टडी में पुलिस रिमांड पे ले सकते थे, ठीक है, अब जब चाहे पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो हैं, जब चाहे किसी के भी इशारे पे जो है ना ऐसा उसको पुलिस कस्टडी में ले सकते हैं। पहले ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे, पहले जो है ना कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, उन गाइडलाइंस के मुताबिक अक्यूज्ड को भी जो है ना कुछ नियम शर्तें थी कि उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना था, उनको कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। अब ऐसा नहीं है, अब किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के ऑफिसर्स को अपना बैच या यूनिफॉर्म में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।